हर साल यूपीएससी ऐसे कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते ही पूछती है, जिसमें से हम एक टॉपिक का डिस्कस करेंगे, इंडियन रिवर सिस्टम। अगर आप रिवर्स के बारे में देखोगे तो हर साल यूपीएससी ने रिवर के ऊपर एक क्वेश्चन तो पूछा ही है। कभी रिवर और उनके ऊपर कौन से डैम है उसके बारे में पूछा है, कभी रिवर और उनके ऊपर कोई मुख्य ऐसा शहर बसाया गया होगा हिस्टोरिकल इवेंट में उसके बारे में पूछते हैं, या कभी इंडस वैली के वक्त के रिवर के बारे में पूछते हैं। तो रिवर ये हमारे यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो आपको रिवर करना ही करना है। अब रिवर में हमें क्या क्या टॉपिक करना है, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है जो पेनिनसुलर रिवर है वो और हिमालयन रिवर है वो, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर सिस्टम। ये तीन रिवर सिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसके बारे में करना है, इस रिवर का उगम कहाँ से होता है वो देखना है, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, उस ट्रिब्यूटरीज के कौन से उसकी वैरायटीज आती है इसके बारे में हमें देखना है, और जो इम्पोर्टेंट सिटीज उस रिवर या उस ट्रिब्यूटरीज के ऊपर है उसके बारे में हमें देखना है। जैसे गंगा रिवर हो गई तो उसके बारे में हमें पूरा पूरा पढ़ना है, गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, जैसे यमुना हो गई और गोमती रिवर हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, और बहुत सारे रिवर्स हैं जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। सिमिलरली हमें ब्रह्मपुत्र का देखना है, इंडस वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है उसका देखना है, क्योंकि इंडस वाटर में एक इंडस वाटर ट्रीटी भी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने मेडिएशन किया है। इसके साथ हमें नॉर्थ ईस्टर्न रिवर देखना बहुत जरूरी है, जैसे सिक्किम से कौन सी रिवर आती है, मणिपुर की कौन सी रिवर है, नागालैंड की कौन सी है, मिजोरम की कौन सी रिवर है। ये रिवर छोटी छोटी रहती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे रिवर रंगीत हो गई, रिवर बराक हो गई, बराकार हो गई, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, और भी बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के रिवर्स है जिसके बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी के साथ डैम्स कौन कौन से हर रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और रिवर किन किन स्टेट से होकर जाती है उसके बारे में पता चाहिए। कुछ रिवर्स यूनिक है, जैसे राजस्थान में जो है रिवर लूनी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ कौन सी रिवर इस्चुरी बनाती है, कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम इम्पोर्टेंट है, वैसे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर आती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीन रिवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये तीनों भी रिवर वेस्टर्न घाट से ही निकल के आती है और बे ऑफ बंगाल में तक जाती है। तो हमें यहाँ पे दो प्रकार की रिवर देखनी है, एक जाती है वेस्टर्न घाट से जहाँ जिसका उगम होता है वहाँ से बे ऑफ बंगाल तक, और दूसरी जाती है वेस्टर्न घाट से ही लेकिन वो जो उनकी इस्चुरी फॉर्म करेंगे या वो जो भी सी में मर्ज होंगी वो अरेबियन सी में होती है, तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साउथ इंडियन रिवर्स जैसे तुंगभद्रा हो गई, तुंगभद्रा रिवर केवल रिवर तक ही सीमित नहीं है लेकिन इसके ऊपर हम मेडिवेल हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे विजयनगर एम्पायर के बारे में हम इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी के साथ केरल के कुछ रिवर्स है, जैसे भरतपुझा रिवर हो गई, वो हमें पता होनी चाहिए। कावेरी रिवर और उनका कावेरी डेल्टा ये कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सभी को पता है। गोवा की जो रिवर है जैसे मांडवी रिवर हो गई, उसके बारे में हमें पता चाहिए। और हम अगर देखेंगे तो तापी, नर्मदा, महानदी, ये जो रिवर्स है और ये रिवर रिफ्ट वैली बनाती है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ हमें ये भी देखना है कि हर रिवर सिस्टम में कौन से क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। अगर हम देखेंगे कि जो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, जैसे रिवर वर्धा हो गई या जो तापी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पे मैक्सिमम कॉटन क्रॉप का वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। आप तेलंगाना में अगर देखेंगे तो वहाँ पे टोबैको फार्मिंग ज़्यादा होती है,
सिमिलरली अगर हम कावेरी डेल्टा देखेंगे तो वो राइस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गंगा हो गई है, इंडस जो रिवर बेल्ट है, इसके लिए व्हीट के लिए, राइस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली गंगा अगर हम बंगाल में देखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, ये जूट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अगर हम रिवर का एक दूसरा एंगल देखेंगे तो हमें वहाँ पे दिखता है इनलैंड वाटर हाईवेज, जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, जैसे गंगा रिवर के ऊपर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर हो गया, तो जितने हमारे 116 जो हाईवेज है, वाटरवेज है जो हमको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज, उसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिवर यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें रिवर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें गंगा रिवर सिस्टम हो गया, हिमालय इन जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में पता चाहिए, एक पेनिनसुलर रिवर के बारे में पता चाहिए, कुछ ऐसी रिवर्स है जो गुजरात राजस्थान में होती है उनके बारे में पता चाहिए, और नॉर्थ ईस्टर्न रिवर के बारे में पता चाहिए। दूसरी बात है कि हमें एटलास देखना है, उस एटलास में रिवर का उगम है वो कहाँ से होता है और कहाँ तक रहती है वो देखना है, क्रॉप देखना है, इम्पोर्टेंट सिटीज देखनी है, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट होगा वो देखना है उस रिवर के ऊपर, और इसी के साथ हमें ये देखना है कि वो इनलैंड वाटरवे बनाती है कि नहीं बनाती है, और हमें ये भी देखना है कि किस रिवर पे कौन कौन से स्टेट्स के डिस्प्यूट चल रहे हैं, जैसे कावेरी हो गए, कृष्णा हो गए, और भी बाकी जो रिवर्स है वो हो गए, और किस रिवर सिस्टम के पास कोई टाइगर रिजर्व हो या नेशनल पार्क है, जैसे केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ कौन कौन से रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं इसके बारे में हमें देखना है। तो आई होप ये जो रिवर सिस्टम है इंडिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे अच्छे से करोगे, और 99.99% चांसेस है कि इस साल यूपीएससी प्रीलिम में कोई भी एक रिवर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ऑल द बेस्ट।